जय जिनेन्द्र। आज हम बनाएंगे पनीर वेजिटेबल सैंडविच विद स्पेशल कैप्सिकम टोमेटो चटनी। चटनी बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स लेंगे। एक कैप्सिकम को रफली चॉप किया हुआ है, ये हाफ टमाटर है जो रफली चॉप किया हुआ है, और ये 1.5 हरी मिर्ची है। इसको आप कुछ भी वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तीखा कम चाहते हैं तो आप कम डालें, और स्वाद अनुसार नमक, और ये 2-3 ड्रॉप नींबू। अब 1 टीस्पून ऑयल करके इसको गर्म कर दिया है। अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम, टमाटर, हरी मिर्च। इसको थोड़ा सॉटे करेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए तब तक इसको सॉटे करेंगे। देखिए सॉटे हो गए हैं। 3 ब्रेड लिए हैं हमने। अब इसके ऊपर बटर अप्लाई करें। बटर लगा दिया है हमने, ये होममेड बटर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये कैप्सिकम, चॉप कैप्सिकम और टमाटर है, और ये क्रस्ट पनीर और बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, और ये ग्रेटर चीज ऊपर डालने के लिए, और ये चटनी जो ग्राइंड करके रखा है वो ये चटनी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, पेपर पाउडर, और इस मिक्सचर में थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगैनो, अब इस और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब इसको मिक्स करना है। अब ये ब्रेड पर वो चटनी अप्लाई करेंगे, और ये चटनी आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, फ्रैंकी में, खाकरा के ऊपर, और भी बहुत सी डिशेस में आप यूज कर सकते हैं। ये स्पाइसी है और टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा, कैप्सिकम का टेस्ट है, अच्छा आएगा। अब इस पर ये वेजिटेबल्स डालेंगे, वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज्यादा। अब इस पर ग्रेटर चीज डाल लेंगे, ये चीज ग्रेट किया हुआ डाल दिया। अब इस पर सेकेंड लेयर रखेंगे, और इस पे ये जो क्रस्ट पनीर स्वीट बॉइल कॉर्न है ये डालेंगे। अब ये मिक्सचर भी डाल दिया। अब इसके ऊपर ये बटर, इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर भी बटर अप्लाई करना है। इसको ग्रिलर में डाल दिया। अब इसको टोस्ट करेंगे। देखिए टोस्ट हो गया। अब इसकी कटिंग करके प्लेटिंग करेंगे। ये लीजिए, हमारा पनीर वेजिटेबल टोस्ट तैयार है, और इसको मेयोनीज और सॉस मिक्स किया हुआ डिप के साथ सर्व करेंगे।